हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शिबा। आज हम अपने किचन में मेथी की पूरी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार भी है और मेथी तो फायदेमंद है ही। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मेथी ली है, जिसको कि मैंने तोड़ लिए हैं जिसके पत्ते अच्छे से, और इसके मोटे डंठल सब हटा दिए हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया है। और उसके बाद फिर मैंने इसका पानी ड्रेन करने रख दिया था हाफ एन आवर, और इसका पानी अब सब निकल गया है और अब हम इसको आगे यूज करेंगे। तो इसमें हम अजवाइन डालेंगे, ग्रीन चिली मैंने 4 ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकती हैं। ये मेरा गार्लिक है, ये 8 से 10 मैंने ली हुई है, और ये 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, करना क्या है कि सबसे पहले हम इन सबको एक मिक्सर जार में डाल के अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, इन सब चीजों को एक साथ मिला के। तो देखिए, ये सबसे पहले हम इसमें ग्रीन चिली हमने डाली है, ये गार्लिक हमने डाल दिया है, और अब हम ये इसमें डाल करके मेथी और अच्छे से इसको पीस लेंगे। ये नमक और अजवाइन हम ये आटा जब हम इसका लगाएंगे, आटा गूंधेंगे, उस टाइम हम उसको उसमें डालेंगे। तो देखिए, मैंने ये पीस लिया है, और ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, एज रिक्वायर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, और इसको आप ऐसे इस तरह से ये पीस के बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 कटोरी ये वाले साइज में मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है, और अब मैं इसमें वो पेस्ट डालूंगी। ये पेस्ट हमने बना लिया था, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें अपनी ये नमक और ये अजवाइन, ये दोनों चीजें भी हम इसमें डाल देंगे, और इसका हम एक डो बना लेंगे। जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं हमें वैसे ही डो बनाना है, हमें इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका डो नहीं बन पा रहा है, थोड़ा टाइट है, तो थोड़ा आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे अच्छे से डो बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत अच्छा आटा गूंद के तैयार हो गया है, और बहुत ही चिकना गूंदा है ये। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और ये हम ऑयल डाल रहे हैं, और ऑयल डाल के भी हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे इसको, और फिर से हम ऐसे ऐसे करके इसको गूंद करके फिर हम इसे ढक के रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए। तो देखिए, मैंने ऐसे राउंड बॉल्स बना ली हैं मैंने नींबू के साइज में, और अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पर थोड़ा सा हम इसे ऑयल लगा के, और इस पर भी हम लगा लेंगे थोड़ा अपने रोलिंग पिन पे भी, और अब हम इसको बेल लेंगे पूरी की साइज का। इस तरह से हम बेल बेल के अपनी रखती जाएंगे सारी, इस तरह से हम बना लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के, जिससे कि ये बहुत ही इजीली बिल जाए। इस तरह से हम सारी बना लेंगे, और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको चाहे तो पराठे बना सकते हैं तवे पे, जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही हम सेक सकते हैं, और उसपे ऊपर से हल्का हल्का घी या ऑयल जो भी हम लगा करके इसे एज ए पराठा इसको बना सकते हैं, और अगर चाहे तो इसको हम डीप फ्राई करके इसको पूरी बना सकते हैं। तो आज हम इसकी पूरी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी बनना शुरू हो चुकी है, और इसको अब हम ऐसे पलट देंगे। देखिए, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया मेरी बन के पूरी तैयार हुई है। तो दोनों साइड से हम इसको इसी तरह से बना लेंगे, दूसरी साइड से भी हो गई है, दोनों साइड से बहुत करारी पूरी बनके तैयार हुई है। इसे हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में, इसी तरह से हम अपनी बाकी की भी बना लेंगे। इसको हम डालेंगे, और इसको धीरे धीरे हम बिल्कुल पूरी की तरह, जैसे हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसको हिला हिला के इसको फुलाएंगे, ये अपने आप फूल जाएगी, पूरी की शेप आ जाएगी इसकी, ये देखिए। और फिर हम इसको
टर्न कर देंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम वैसे ही बना लेंगे इसको। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी, फर्स्ट क्लास पूरी बन के हमारी तैयार हो रही है। इसका हम सारा तेल हम ऐसे टेढ़ा करके निकाल देंगे और फिर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छी पूरी बन के तैयार हुई है हमारी। तो देखिए ये मेरे बन के बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेथी की पूरी तैयार हो गई है, जिसे कि मैंने ग्रीन चटनी और रायते के साथ सर्व किया है। आप इसे आलू की सब्जी, जो मैंने कचौड़ी वाले आलू की रेसिपी दी हुई है, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।